प्रदेश कांग्रेस की नए कार्यकारिणी के गठन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान आज और कल 2 दिन तक शिमला में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फीडबैक लेने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद हाईकमान आखिरी फैसला लेगा और नई कार्यकारिणी का गठन करेगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में चेतन चौहान ने कहा कि नई कार्यकारिणी में युवा और तजुर्बे का ध्यान रखा जाएगा। सभी नेताओं से फीडबैक लेकर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हमारी वार्ता है, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। जो हमारी डीसीसी और बीसीसी के हमने डिसॉल्व करी है, उसको नए बनाने की कवायद में हम आज सीनियर नेताओं से विचार विमर्श करके, दोनों सेक्रेटरीज यहां हैं, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फतेह सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने नई कार्यकारिणी के गठन और सरकार व संगठन में तालमेल को लेकर पर्यवेक्षकों को भेजा है, जो पार्टी नेताओं से बैठक के बाद जमीनी स्तर पर जिलों का दौरा करके पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। सभी जगह ये दौरा करेंगे, सीनियर लोगों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे कि लोगों का क्या मानना है, कि कौन वो लोग हैं सक्रिय तौर से जो पार्टी का काम करते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी काम किया है, और कौन ऐसे लोग हैं जो संगठन में केवल मात्र पद लेकर बैठे हैं पर इलेक्शन के वक्त में सक्रिय नहीं रहे। इस बात की ये लोग छानबीन करेंगे और वही रिपोर्ट फिर हम हाईकमांड को देंगे और हाईकमांड फिर हमारे से बैठकर चर्चा करेगी। फिर हम अगली प्रक्रिया है, उस पर हमने अगला स्टेप क्या उठाना है, इस के लिए इनको यहाँ पर भेजा गया है। इस बीच प्रतिभा सिंह ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर मनाए जा रहे जश्न पर अनभिज्ञता जताई और कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसे लेकर मुख्यमंत्री या किसी और से उनकी कोई बात हुई है।